My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, ये हम खेल रहे थे कस्टम रूम हम खेल रहे थे। इसमें ना यूं सीन हुआ, मतलब मेरी जो मतलब गेम प्ले की वॉइस है ना, वो नहीं रिकॉर्ड हुई ना, तो मैंने कहा चलो फिर अब मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तो ये फुल वॉइस ओवर होगा मतलब स्टार्टिंग से एंड तक। तो सबसे पहले गाइस हम आ गए पैराडाइज आए। यहाँ ना तीन स्क्वाड आए हुए थे। अब सबसे पहले मैं उतरा क्योंकि मैं वो एरिया देखने के लिए उतरा था, कौन सा एरिया खाली है वहाँ पे मैं उतरा। फिर मैंने इनको कॉल दी कि मेरे पे ही ना आ जाओ, तो हम यहाँ उतरे। अब यहाँ तीन स्क्वाड आए हैं और गाइज यूँ सीन होगा कि जो तीनों स्क्वाड है ना वो हम मारेंगे, तीनों के तीनों स्क्वाड के साथ हमारी फ़ाइट होगी। तो पहले एक राइट साइड पर स्क्वाड था, मुझे कॉल आई कि यहाँ ना नेट करो, यहाँ शायद एक बंदा आया हुआ है। तो मैंने नेट वगैरह किया लेकिन कोई नहीं था वहाँ, तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो अब हम देख रहे थे कि हमने किस साइड ना पुश करना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम पहले राइट साइड पुश करेंगे, देन राइट से हम पूरा ना लेफ्ट जाएंगे। तो हम पहले राइट साइड जा रहे थे। अब यहाँ राइट साइड पे जो स्क्वाड थे ना, मतलब वो आपस में फाइट ले रहे थे पहले ना, तो हम यहाँ इन पर थर्ड पार्टी करेंगे। तो यहाँ पे अब ये जो यही बंदा मैंने पहले भी मारा था, लेकिन ये ना रिवाइव हो जाता है इसको। फिर यहाँ पर अब जो एक स्क्वाड था ना, हमने फिनिश कर दिया था। अब राइट पे भी एक स्क्वाड था और लेफ्ट पे भी एक स्क्वाड था। जो लेफ्ट वाला स्क्वाड था ना, वो उसने सुना ना कि मतलब ये लोग फाइट ले रहे हैं, तो वो अब हम पे ना थर्ड पार्टी करने आ गए। तो यहाँ अब हम हील वगैरह भी मैं मतलब इतनी नहीं करते, तो मुझे ना सामने एक बंदा नज़र आता है, मैं इसको नॉक करता हूँ। एसपी क्वीन, तो सही है, ये लड़की होती है इसको मैं यहाँ नॉक करता हूँ। देन मैं इनको कॉल देता हूँ कि ना यार लेफ्ट साइड पे स्क्वाड आया हुआ है। तो इतने में ना हमारा जो जिन होता है, ये गाइज ये स्टार जिन है, ये FSOP जिन नहीं है, ये स्टार जिन है। इसने मतलब नेम चेंज नहीं किया अभी तक, कुछ मतलब कर लिया है, अगली वीडियोज़ में आप लोगों को इसका नेम चेंज नज़र आएगा। तो यहाँ पर अब इन्होंने एक और इसका जो टीममेट था ना, वो नॉक कर दिया था। अब जो इनका रहता था, वो एक या दो बंदे ही रहते थे ना, तो मुझे एक कॉल आई कि यहाँ पे आखिरी बंदा है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको मारने आता हूँ, यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। अब ये दूसरा स्क्वाड भी हमने फिनिश कर दिया, इनके तीन बंदे ही थे ना, तो इसकी अब हम लूट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो लास्ट स्क्वाड रहता था ना, थर्ड स्क्वाड, उनके दो बंदे ज़िंदा थे। अदील ने एक को नॉक किया और दूसरे ने अदील को नॉक किया नेट से ना। तो अब मैं इतने में फिर पीछे से ना घुसाऊँगा और इसको यहाँ पे मैं इसको मार दूँगा। इसके बाद हम चले जाएंगे बूट कैंप, क्योंकि हम इतना किल्स के लिए नहीं जा रहे थे। बाकी गाइस लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, बाकी वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इंस्टा पे भी फॉलो करो यार। तो यहाँ हम बूट कैंप आए ही थे ना अभी, तो यहाँ मतलब स्क्वाड्स फाइट ले रहे थे आपस में ना, तो हमने जहाँ भी की थर्ड पार्टी की। यहाँ पर जिन ने या फ्यूरी ने एक नॉक किया था, इतने में मैं बाहर निकलता हूँ, तो मुझे भी एक नज़र आता है, तो मैं भी एक को नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ अब इनके दो नॉक हो गए थे, बाकी अदील ने एक नेट किया और उनका जो ये एक स्क्वाड जो उनसे है वो मर गया। तो हमने एक स्क्वाड फिनिश कर दिया। अब हम उस स्क्वाड पे पुश कर रहे थे जिसके साथ ये फाइट ले रहे थे ना, उनका भी कोई हम इसलिए उन पर पुश कर रहे थे क्योंकि हमें पता था वो फाइट ले रहे हैं, तो उनका कोई नॉक वगैरह पड़ा हो या फिर वो ना लो होंगे, तो इस वजह से हम डायरेक्ट ही पुश कर रहे थे। अब ये मॉलीज वगैरह कर रहे थे हमारा ना पुश रोकने के लिए, लेकिन मैंने मॉली में से ही गुजर गया। मैं यहाँ पे मैंने एक को नॉक किया, दूसरे को जिन नॉक कर देगा और जो थर्ड होगा वो यहाँ खड़ा होगा, उसको मैं नॉक कर दूँगा। तो यहाँ पर अब इस स्क्वाड को भी हमने मार दिया, अब इतने में ना एक और स्क्वाड आ जाता है पीछे से, क्योंकि बूट कैंप होता है, सारे स्क्वाड यहीं आ रहे होते हैं। तो जिन एक को नॉक करता है, अब यहाँ देखना गाइज यहाँ पर एक सीन होगा,
ये देखना, इस बंदे को मैंने मारा है ना, ये नॉक नहीं हुआ। तो पहले तो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन बाद में मुझे जाके पता चलता है कि मेरी ना M4 जो है ना वो ग्लिच हो गई है, डैमेज नहीं मतलब रजिस्टर हो रहा होता, मैं जितना भी मार लूँ बंदा नॉक नहीं हो रहा होता। वो मुझे यहाँ तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आगे जाके पता चलेगा। अब यहाँ पर जो उनसे थे ना, इनके दो बंदे ऊपर थे ऊपर वाले हाउस पे और दो यहाँ पे थे, तो हमने ये किया कि हमने जो उनसे नीचे वाले हैं ना इन पे पुश कर दिया। तो यहाँ पे जिन ने एक को नॉक किया, नहीं ये जिन ने ऊपर नॉक किया था, जो ऊपर वाले मार रहे थे ना उनका एक जिन ने नॉक किया, तो हम यहाँ पर मतलब जो नीचे दो होते हैं इन पे पुश करते हैं। तो फ्यूरी ने एक को नॉक किया नेट से, और ये पत्थरों के पीछे बैठे होते हैं यहाँ पे ना, तो मैंने भी नेट किया तो एक और नॉक हो जाता है। अब ये जो उनसे नीचे वाले दो हैं ये तो मतलब हो जाते हैं नॉक। अब ऊपर वाले रह रहे होते हैं वो मतलब इनको हम फिनिश कर देते हैं, वो जो उनसे ऊपर वाले होते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से ना, हम काफ़ी देर उनका इंतज़ार करते हैं लेकिन वो नीचे नहीं आते, वो मतलब जोन में भाग जाते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ जोन में रोटेशन दे रहे होते हैं, और हमें ना रोटेशन के टाइम ही ना एक स्क्वाड मिल जाता है। तो अभी टाइम होता है जोन के आने में ना, और जोन काफ़ी बड़ा होता है, तो हम मतलब स्क्वाड से फाइट लेने लग जाते हैं। अब वो लोग फाइट ले रहे होते हैं, मतलब मैं दूर से उनको कवर दे रहा होता हूँ, क्योंकि दूर से थर्ड पार्टी भी हो रही होती है। तो यहाँ पर वही सीन होगा, यहाँ देखना उसने इसको नॉक किया, मैं उसको मतलब मारता हूँ ना, लेकिन वो डैमेज ग्लिच हुआ होता है मेरा, मतलब अभी सही नहीं पता चलता, मतलब मुझे भी अभी नहीं सही पता चलता कि अभी तक मतलब मेरा ना डैमेज रजिस्टर नहीं हो रहा। यहाँ देखना अभी, यहाँ भी मैं एक बंदे को इतना ज़्यादा मारूंगा, इतना मैं मार मार पागल हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ बंदा नॉक नहीं हो रहा यार। तो यहाँ पे ये मतलब बंदा नॉक ही नहीं होता। उसके बाद मैं इनको मार्क देता हूँ, तो ये मतलब क्लोज इन करते हैं, जो नंबर 4 होता है ना ये रैंडम आया होता है, तो ये नॉक हो जाता है। तो मैं इतने में पीछे से आगे ना इसको फिनिश कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ से इसकी लूट वगैरह करते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। अब मुझे आगे जाके अब ये इस वाले बंदे पे, जो उनसे बंदे को अब मैं मारूँगा ना, उस पर मुझे पता चलेगा, मुझे जिन बताएगा कि तेरी ना सिर्फ एक बुलेट की आवाज़ आ रही है। इस बंदे को देखो, इसको भी मैंने इतना मारा, और मैं मरूंगा भी इसी वजह से ना, मेरा डैमेज नहीं रजिस्टर हो रहा होता।